नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मुकाम न्यूज, मतलब खबरें आपके काम की। छात्र हित में यह अनूठी पहल है। पहली बार किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इस स्तर पर जाकर छात्रों के हित के बारे में सोचा और फिर आज नियत समय पर समाहरणालय स्थित राधाकृष्ण भवन में आए अधिकारी एकदम से प्रशासनिक अधिकारी की जगह एक टीचर, एक मार्गदर्शक की भूमिका में आ गए। डीएम शीर्षत कपिल अशोक के नेतृत्व में गुरुवार को करीब 1.5 घंटे तक इस वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसे डीएम फॉर यूथ नाम दिया गया था। आयोजन का मकसद प्रतियोगी छात्रों को गाइड करना, उन्हें प्रेरित करना, उनके मनोबल को बढ़ाना था ताकि वे धैर्य व लगन के साथ अपने लक्ष्य पर डट जाए। इस अवसर पर डीएम ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए प्रबल इच्छा शक्ति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभिरुचि के अनुरूप व सिलेबस के अनुसार तैयारी, साथ ही नियमित अंतराल पर स्व मूल्यांकन, निसंदेह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता में निर्णायक सिद्ध होता है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए यह आवश्यक है कि परीक्षा के प्रत्येक चरण को एक समान महत्व देते हुए सकारात्मक माहौल में तैयारी की जाए। वेबिनार पूर्वी चंपारण मोतिहारी में ऑर्गेनाइज किया था, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी, बीपीएससी, जुडिशियल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, आर्म फोर्स एंड मिलिट्री सर्विसेज ऑल्सो, तो उनके लिए ऑनलाइन यहाँ पे मार्गदर्शन दिया जा रहा था। इसमें जो भी पैनलिस्ट थे ये लोग यूपीएससी क्वालिफाइड थे और कुछ लोग आईएएस में है, कुछ अलाइड सर्विसेज में है, तो इनके तरफ से जो उनके क्वेश्चंस का आंसर दिया जा रहा था। बेसिकली आज का जो टॉपिक था कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स एंड कीप मोटिवेटेड। एक्सपीरियंस का चंपारण एवं अन्य भी जो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों का मैं स्वागत करता हूँ। दिस इज अ वेरी गुड डे इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और उसका जो रीच है, कनेक्ट है विद्यार्थियों के साथ। मैं आपको ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है ये थोड़ा सा कोविड-19 के मद्देनज़र जो है वेबिनार मोड में हम करने जा रहे हैं, एंड जो यहाँ पे पढ़ाने वाले लोग रहेंगे वो अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो अभी आज जो चार लोग बैठे हुए हैं, इसमें से फोर ऑफ देम हैव अपीयर्ड इन द यूपीएससी इंटरव्यू। सभी ऑफ कोर्स इज 2019 बैच आए प्रोफेसर, बेना इज आल्सो राइट होल्डर एंड दीप शिखा आल्सो, तो ये सब लोग एक्सपर्ट ओपिनियन आपको देंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, और वो भी उसका जो मोटिवेशन है हम कैसे बरकरार रखें। सो हर जहाँ पे पैनलिस्ट है उनका योगदान, उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और इस तरीके के जो ये गतिविधियाँ रहेगी ये हम कंटिन्यू करेंगे। आप सभी लोग खुशी होनी चाहिए कि हमारे साथ बस ये 3 या 4 लोग हम लोग नहीं हैं, तो एक पूरी बैच है जिसमें सीनियर डिप्टी कलेक्टर्स है यहाँ पे अगल बगल बैठे हुए हैं, और हमारे अन्य जो विभाग है उसमें भी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, इवन जुडिशियल सर्विसेज के लोग भी हैं, इवन जो है एसएसपी एंड ऑल से जो है हमने कॉन्टैक्ट किया है, कमांडेंट्स भी जो है यहाँ पे आपको आपके मार्गदर्शन समय समय पर देंगे। तो इस जो डीएम फॉर यूथ ये जो कार्यक्रम है, इसका मूल उद्देश्य है एक तो कि आपका एटीट्यूड बिल्डिंग, आपका मोटिवेशन अपलिफ्ट करना, उसको बरकरार रखना, साथ ही में जो है आपकी तैयारी भी करवा लेना। तो तैयारी अलग अलग तरीके से होगी, एक तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो सकती है, मेंस की तैयारी हो सकती है, इंटरव्यू की तैयारी हो सकती है, डिफरेंट एग्जाम के लिए जो एक्सपर्ट्स आएंगे उनकी तैयारी भी वो अपने स्तर से आपसे करेंगे। क्योंकि आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि तैयारी कैसे करनी है, और एक्सपीरियंसेस जैसे दीप शिखा अभी बोल रहे थी कि उनका क्या अनुभव है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक घंटे का समय है, एटलीस्ट आई हैव टू स्पीक समथिंग अबाउट द यूपीएससी बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस। वैसे तो थोड़ा सा एक 9-10 साल हो गए उसको मुझे सर्विस में आके, बट इन फैक्ट द फिलोसॉफी बिहाइंड द प्रिपरेशन इज द सेम, कोर उसका जो है सेम है, कि कैसे तैयारी करनी है। टू शेयर विद, टू बिगिन विद, बहुत सारे लोग नए होंगे इस क्षेत्र में, बहुत सारे लोगों की इच्छाएं होंगी कि हमको ये करना है, हमको वो करना है,
ऑफ कोर्स आप सभी लोग सब चीज कर सकते हैं, हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो सारी चीजें कर सकता है, बट उसको जो है फोकस रखना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए जो है आपको आपका गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब गोल सेटिंग आप करते हैं उसके बाद जो है आपको क्या क्या करना है उसके ऊपर हम आएंगे। अभी मैं जो हूं आपके साथ गोल जो यूपीएससी का गोल जिन्होंने रखा है, जिनको यूपीएससी करना है और टू सम एक्सटेंट जो स्टेट सिविल सर्विसेज है उनके लिए जो ये मैं बताने जा रहा हूं ये रिलेवेंट रहेगा क्योंकि फिलोसॉफी इसकी सेम ही है। देखिए सबसे पहले जब आप सिलेक्ट करते हैं कि मुझे कोई भी सर्विस चूज करने, फॉर एग्जाम्पल आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, फॉरेन सर्वेंट बनना है, या आपको कोई भी जुडिशियल सर्वेंट बनना है या आर्मी में जाना है, तो आप जिसके लिए तैयारी की है उसका सिलेबस आपको पता होना बहुत आवश्यक है। सिलेबस प्रीलिम्स का अलग होता है, मेंस का अलग होता है, और इंटरव्यू का ऐसा सिलेबस नहीं रहता है लेकिन डोमेन एरिया रहता है, उसमें जो है आपसे वो पूछ सकते हैं कि किस तरीके से जो है आपने तैयारी किया, वो प्रीलिम्स मेंस और आपके करंट अफेयर से अगल बगल की जो गतिविधियां हो रही है इंटरनेशनल हो नेशनल हो और अलग अलग सेक्टर्स में उसके बारे में आपसे पूछ सकती है। तो जब भी आप तैयार किए हैं एक तो आपका लाइकिंग होना चाहिए उस सर्विस के प्रति, देखिए मोटिवेशन जो है ना आपको तभी आएगा जब आप उस चीज को पसंद करते हैं, मतलब किसी को आईपीएस बनना पसंद है तो आप डेफिनेटली यू विल बी मोटिवेटेड, किसी को आईएएस बनना पसंद है यू विल बी मोटिवेटेड, ठीक है। तो ये मोटिवेशन पहले आपकी पसंद होना बहुत आवश्यक है। सेकंड चीज सिलेबस जो मैंने बताया था, सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज मेरे बोर्ड था, कार्डबोर्ड मैंने बनाया था जिसमें टेबल पे हम रखते थे क्योंकि भूख के कभी कभी पेट में दर्द होता था, गर्दन में दर्द होता था, तो एक बोर्ड रखा था उस बोर्ड पे मेरा सिलेबस लिखा हुआ था, उसका मैंने जेरॉक्स किया था और सिलेबस था प्रीलिम्स का सिलेबस था, मेंस के मेरे हमारे समय में दो ऑप्शंस रहते थे तो दोनों ऑप्शन के मेंस के टॉपिक का सिलेबस रहता था और हर पॉइंट्स जो है हर सिलेबस का हर पॉइंट को हमने टच किया था। तो फर्स्ट थिंग इज दैट प्रीलिम्स के लिए इज अ वाइडर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब विड्थ ऑफ द प्रिपरेशन इज प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वेश्चन जो है उस तरीके से आता है अलग अलग क्षेत्र से रहेंगे और अभी का जो चेंजिंग पैटर्न है समीर मेधा और दीक्षिता आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बट इन जनरल प्रीलिम्स बहुत ही वोलेटाइल रहता है तो आपको विड्थ ऑफ द रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नेशनल न्यूज पेपर दो तीन आपको पढ़ने आवश्यक है, उसके बाद आपका प्रीलिम्स का सिलेबस भी जो है उसको टच करना है, एक मेन बुक और एक रेफरेंस बुक या मेन नोट्स और रेफरेंस नोट्स, मतलब आपके पास इस तरीके से होनी चाहिए जिससे हम तैयारी करें। उसी तरह मेंस का भी उसी तरह इंटरव्यू का भी। जब नोट्स की बात आती है तो जनरली फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग जो है आपको पता है कि कौन कौन सी किताबों से ये चीजें की जा सकती है, तो एक्सपीरियंस लोग जो है आपके प्रिपरेशन में काफी मदद करेंगे क्योंकि अभी आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे कोचिंग इंडस्ट्रीज मिलेंगे और बहुत सारे लोग आपको बताने वाले मिल जाएंगे, तो समटाइम्स यू विल गेट कंफ्यूज। तो मेरा अनुरोध यही रहेगा कि आप जो है जो एक्सपीरियंस जो ऑलरेडी क्रैक किए हैं एग्जाम उनको पता है कि हाउ टू डू द प्रिपरेशन व्हाट नॉट टू डू, ये उनसे सीखने को मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये लोग जो है आपको बता सकते हैं कि ये किताब इंपॉर्टेंट है, तो यही पॉलिटी के लिए यही किताब इंपॉर्टेंट है, पहला बेसिक रिसोर्स आपका बेसिक जो किताब होगी इसी को पढ़ना है, उसके साथ कुछ एडिशनल स्टफ या क्रॉस चेक करने के लिए या अपने आप को थोड़ा सा अच्छा फील करने के लिए कोई दूसरे क्लासेस के नोट्स हो सकते हैं या दूसरा किताब आप पढ़ सकते हैं, तो नोट्स भी इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट रीडिंग में जनरली नोट्स नहीं बनाने हैं, इवन आई रिकमेंड कि सेकंड रीडिंग में भी नहीं बनाना है। बहुत सारे लोग जो इमीडिएटली जो है प्रिपरेशन के समय में नोट्स लेनी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि नया नया हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि ये भी महत्वपूर्ण है वो भी महत्वपूर्ण है वो भी महत्वपूर्ण है, तो ऐसा पता चलेगा कि पूरे किताब को ही अंडरलाइन आपने कर लिया, इट हैपेंड विद मी, तो फिर आपको रियलाइज हो कि नहीं ये सब कुछ सभी हमको इम्पोर्टेंट लगता है तो वो नहीं करना है। तो पहला रीडिंग करना है क्विकली करना है, दूसरा क्विकली करना है, एक फीलिंग आएगी आपके बीच में कि बहुत ज्यादा
दिमाग में नहीं लाना है कि हम इतने सारे निकाले पढ़ने के बाद हमको कुछ याद नहीं रहना, ये सबके साथ होता है, ठीक है। लेकिन देखिए एक सिंपल पढ़ना है, रिपीटेशन इज की टू सक्सेस इन दिस एग्जाम। तो फर्स्ट रीडिंग में आपका मान लीजिए कि रिटेंशन आपका 2% हो गया, सेकंड रीडिंग में 7% हो गया, थर्ड रीडिंग में जो है आपका 15% होगा, फोर्थ रीडिंग में आपका जो है 25% होगा, फिफ्थ रीडिंग में आपका 35% होगा, फिर फोर्थ और फिफ्थ रीडिंग में आप जो है टॉपिक्स को कोरिलेट करने को सीख जाएंगे। मतलब एक टॉपिक जो है दूसरे टॉपिक से कैसे जुड़ा हुआ है, एक टॉपिक जो है अभी के करंट जो हैपनिंग्स हो रहा है कंट्री में उसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, एंड एवरी टॉपिक इज रिलेटेड। तो फॉर एग्जांपल अभी जो इंटरनेशनल स्फीयर में चाइना के साथ हमारा इशू हो रहा है, तो इट हैज सम हिस्ट्री लिंक्स, जियोपॉलिटिक्स आल्सो कम्स इनटू द प्ले, तो ज्योग्राफी का भी लिंक है। तो ये जो कोरिलेशन है जैसे जैसे आप रीडिंग पढ़ते जाएंगे वो आप एस्टैब्लिश करते जाएंगे। चाहते हैं हर जानकारी से अपडेट, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले प्लीज प्लीज, और बेल आइकन दबाना एकदम ना भूले। न्यूज़, शिक्षा, नौकरी, टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी खबरें व ट्रिक सिर्फ यूथ मुकाम।